इसलिए तुम्हारा ठीक रहता है, ये हिंदी का बना था। तुम्हारा तो इधर देख के लिखेगी साफ साफ, इतना दुए चार लाइन लिखे साफ साफ लिखे, ठीक ना? कोची दिखे पता चल रहा है कुछ, यही तिरंगा झंडा है ना। हम लोग का जन नायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती भी है, ठीक ना? उनके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहानी को, आप कोई पढ़ के सुनाएगी, आप लोग सुनिएगा, ठीक ना? ध्यान से लोग पढ़ो, कष्ट पाएगी। हो सकता है कि ध्यान के पराचर्य मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए, मैं बहुत आराम और ऐसे में दिन बिताऊं, बड़ी कुर्सी घोड़ा गाड़ी नौकर आदि दिखावट के सभी सामान मुझे मरेसर हो, पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। अभी भारत माता प्रजातंत्रता की पीड़ा के करा रही है और मैं विद्याभ्यास के जुम्मन बचपन से प्रथमान चुनाव को समस्तीपुर के तारापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी से अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था। अस्पताल वहां से काफी दूर था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। इसके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे। फिर अपने कार्यालय उन्हें उत्तरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट से ले जाया गया। लिफ्ट से ऊपर अंग्रेजी में लिखे वाक्य को पढ़ने ही चौंक पड़े। आना जाना सीढ़ियों से होता था, यानी केवल राजपथ ही पदाधिकारी। तो आज आप लोग जो है इटोला भ्रमण के दौरान जो है आप लोग डेली पढ़ेगी, आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग ने उनके जीवनी के बारे में पढ़े है ना। उनका बहुत अभाव में जिंदगी था, फिर उन्होंने पढ़े लिखे और गांव में पढ़ लिख कर उन्होंने दो बार मुख्यमंत्री बने और
उप मुख्यमंत्री बने, है ना। और उनका कहना था कि हम तो पढ़ लिख गए, हमें गाड़ी घोड़ा बंगला मिल जाएगा, हमें सब चीज मिल जाएगा, लेकिन हमारी पढ़ाई का और हमारे जो मेहनत का तब फल मिलेगा जब समाज के सभी वर्ग के लोग, गरीब अमीर, एक समान जो है पढ़ना लिखना हो जाएगा तब। और जब तक समाज के सभी वर्गों को विकास नहीं होता है तब तक मेरा पढ़ाई का कोई ये नहीं है। उन्होंने देश की आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान निभाया, उन्होंने जेल भी गए, भागलपुर जेल में भी रहे। अब पहला चुनाव उन्होंने आपको 1952 में पहला चुनाव जीते थे सोशलिस्ट समाज पार्टी से, समस्तीपुर जिला के तारापुर विधानसभा, ठीक ना। जीवनी को पढ़ने का मतलब है कि हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत। शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे हमें दिन, पांचवा में पत्नी, छठा में कायर, कायर। हम लोग जन नायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो जीवनी पढ़े उसमें कहता है पाठ से आगे, ये अपना किताब में जो पढ़ी उससे आगे सोची, कहता है अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सी समस्या है आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, अथा कॉमिक्स पढ़ना, खेलना, छोटे भाई की देख रेख करना, खाना बनाने में सहयोग करना। आप अपने पढ़ाई लिखाई के अलावा आप बहुत सा काम है, घर में खाना बनाना है, खेलना भी है, टीवी भी देखना, लेकिन अब देखना क्या है कि कौन काम में हम कितना समय देंगे। अब पढ़ना है तो थोड़ा बहुत हम काम भी कर लेंगे ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर पढ़ने पर अभी एक दूरदर्शन पे कार्यक्रम दे रहा है ना 9 बजे से, तो डेली हमको क्या बैठना, कापी कलम लेके 9 बजे बैठ जाना है ना। 9 बजे से 10 बजे तक छठा क्लास का और 8वां क्लास का पढ़ाई होता है, डेली उस पर बैठिए। किताब नहीं है, ई लोटस ऐप को लोड कर लीजिए मोबाइल में, मोबाइल का उपयोग करिए, है ना, सदुपयोग करिए उसका, ये नहीं कि उसका दुरुपयोग करिए। पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ समस्या होगा हम लोग आके बीच बीच में मोला भ्रमण करना है, हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है लोग।